कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। ओके, एंड होप तो आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ ट्राई एट योर होम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और खैर वाफियत से रखे। ये देखें, आज हम अरबी का सालन बनाने लगे हैं। शोरबा नहीं, सालन जैसे मतलब खुशक होता है वो वाला, मसाले वाली? मसाले वाली। तो ये हमने 3 पाव अरबी ली है, उसको मतलब छील के नमक लगा के रख लिया था तकरीबन 1.5 घंटा। तो अब उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो ये 3 अदर टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये लीमू है, और ये प्याज है, ये मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो क्या हल्दी, नाम, नमक, नमक नमक कम लिया है क्योंकि इसके अंदर भी नमक डाल के रखा हुआ था ना, तो सूखा इसलिए धनिया पिसा हुआ इसको जो ना मतलब कम लिया है नमक, के अंदर भी इसके नमक जहर रच बस गया होगा। तो ये रेड लाल रेड मिर्च चिली, लाल है, मिर्च, ब्लैक और पेपर, काली थोड़ी सी मिर्च। काली मिर्च ली है, और ये 1.5 चम्मच रेड लिया है, रेड मिर्च ली है, चले और हम ये 2 अदद बड़े प्याज है। ओके, अब चले हाँ, हम अब आपको अदरक लहसुन नहीं हमने इसमें दिखाया। चले अब हम आपको हाँ नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। ओके, हाँ ढाई इसके अंदर तकरीबन 2.5 चम्मच ये वाली डोई जो है लकड़ी की। तो अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम प्याज फ्राई करेंगे अब लाइट लो होने तक। प्याज ये देखे, प्याज हमारा इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ये नमक मिर्च हो जाएगा। लहसुन का पेस्ट है, और ये टमाटर, नींबू और सब्जियों के बाद में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला बस रेडी हो ही चुका है। क्या भी होना है और सभी उतार लेंगे अंदर। ये देखिए, ये सफ़ेद जीरा, हम इसमें साबुत सफ़ेद जीरा वो ऐड कर रहे हैं। बड़ी अच्छा मतलब लगता है ये सालों में सब्जी में, दाल में ज़्यादातर इसका बड़ा अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने अभी ऐड कर दिया इसमें, फिर अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये जो लीमू है वो इसके अंदर है, उसका जूस ऐड करेंगे इसके अंदर। जूस ऐड कर देंगे वो, इससे जो उसकी लेस होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, और अरबी में खटास भी बड़ा मज़ा आता है इसमें ना, लीमू से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है।
बट आजकल के लीमू ऐसे हैं, उनमें जूस तो है नहीं, बस लीमू नाम के ही लीमू हैं। लेकिन हमारे पास जूस भी है निकला हुआ, वो हम थोड़ा सा वो ऐसा देंगे उनमें से कम नहीं देना। दम दे देंगे हल्की आँच पे, ये गल जाए तो वैसे अरबी जल्दी गल जाती है। चले हम ये बाप बोले, ये देखें ये अब हमारी अरबी अब भून चुकी है तकरीबन, तो अब हम इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो फिर इसको दम देंगे, तो फिर थोड़ी देर तक ये हो जाएगी, गल जाएगी, नहीं पक जाएगी। अब ये देखिए लेस वगैरह इसकी ख़त्म हो गई है, तब तक के लिए आपको फाइनल लुक देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। होप तो आप लोगों को हमारा अरबी का सालन अच्छा लगे, अगर आपको पसंद आए तो ट्राई जरूर करिएगा ये रेसिपी अपने घर में, ओके, और कमेंट्स में भी बताइएगा। भी है अरबी का, हाँ बैंगन में भी डालती है, बैंगन भी पकाए ना, आलू बैंगन, बैंगन और अरबी, तो वो बड़ी मज़े की बनती है अरबी गोश्त। तो इसके अबू तो कह रहे थे गोश्त डाल देंगे, लेकिन हमने कहा आज खाली अरबी बनाएंगे। आज हम अपने यूएस को खाली अरबी का सालन, लाइक भुना हुआ अरबी का सालन भी खाएंगे। गोश्त डालते थे वो तो फिर शोरबे वाली अरबी हो जानी थी, शोरबे वाली नहीं वो भी बनानी, अच्छा वो भी भुनी हुई बनानी थी, ओके। तो हम कोई ऐसी ख़ास चीज़ तो बनाते नहीं, जो रोज़ाना जो आम रूटीन में जो भी बनता है वही आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि हर एक का अपना स्टाइल होता है, हर एक चीज़ बनाने का कुकिंग हर एक की डिफरेंट होती है, सब एक ही चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते सभी लोग, तो हाँ एक तरह की तरीका नहीं होता, चीज़ें तो वही होती है, नमक मिर्च मसाले, लेकिन तरीका अपना अपना होता है हर बंदे का बनाने का। तो होप तो आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चले जब तक ये पक रही है तब तक आप वेट करें, ओके। अरबी का सालन तकरीबन हमारा तैयार है, ये गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। इट्स लुक टेस्टी, खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी, लेमन की, यस लेमन। नो मामा, धनिया डाल दे और सर्विंग भी कर दे हल्की सी।